रानिया के रियलिटी चेक के दौरान जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला था। यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि वो रहते तो हैं रानिया विधानसभा में, लेकिन हर काम के लिए उन्हें करीब 20 किलोमीटर दूर एलनाबाद विधानसभा में जाना पड़ता है, क्योंकि रानिया में आज तक कोई सब डिवीजन नहीं बना। जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें यहाँ से 22-24 किलोमीटर एलनाबाद जाना पड़ता है, और सारे जो एलनाबाद डिवीजन जो रानिया ब्लॉक है, रानिया ब्लॉक का ज़्यादा काम जो एलनाबाद से ज़्यादा बड़ा है, इसलिए लोगों को ये समस्या आती है कि जो काम रानिया होना चाहिए सब डिवीज़न में वो हमें एलनाबाद जाना, और एलनाबाद एक साइड में पड़ता है। सबसे मेन दिक्कत है जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, हमें जाना पड़ता है, न्यू करवाना पड़ता है, कार की नगर NOC लाइसेंस जो भी है, 20 किलोमीटर जाना, हम यहाँ से जाते हैं अफसर SDM नहीं बैठे होता मिलता वहाँ, फिर हमें वापस आना पड़ता है, फिर दोबारा जाना पड़ता है, यही समस्या, हमें दो चार चार चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये राजनीति है ना, हमारा यहाँ का जो विधायक है लगातार यहाँ विपक्ष का विधायक बनता है, सत्ता पक्ष में नहीं होते, इसी ये मेन कारण है। हमारा रानिया विधानसभा हल्का बने हुए आज 10 साल हो गए। रानिया विधानसभा हल्का किस लिए बनाया गया था? रानिया को अलग से सुविधाएँ देने के लिए, लेकिन आज तक यहाँ सब डिवीज़न नहीं बनाई गई, सब डिवीज़न एलनाबाद रखी हुई है, जो सिर्फ राजनीतिक कारणों से। हमने रानिया से इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक रामचंद्र कंबोज से पूछा कि जनता को सब डिवीज़न कब मिलेगा, लेकिन विधायक जी के जवाब में ना वादा था ना आश्वासन, सिर्फ राजनीति थी, हरियाणा सरकार को उलाहना था। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रानिया को लगभग 89 से तहसील का और उपमंडल का दर्जा अनाउंस है, बट अभी तक ग्राउंड लेवल पे आपको बड़ी हैरानी होगी कि खुद की तहसील की भी बिल्डिंग विधानसभा में लड़ाई लड़कर हमने अभी बनवाई, वो अभी उसमें तहसील ने शिफ्ट नहीं किया तहसीलदार ने, वो भी अभी उसी पुरानी बिल्डिंग में बैठे हैं। रानिया के लोगों की दूसरी सबसे बड़ी परेशानी है घग्गर नदी। लोगों ने हमें बताया कि फैक्ट्रियों के केमिकल की वजह से इस नदी का पानी जहरीला हो गया है, लेकिन सरकार, सांसद या विधायक कोई सुध नहीं ले रहा है। लोगों ने इस बात की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय तक को भेजी, लेकिन कोई हल नहीं निकला। काला पानी आता है जो कि जहरीला पानी होता है, वो इस समय कारखानों से होके लोगों में, पशुओं में, लोगों में ये बीमारी फैलाता है, पशुओं में बीमारी फैलाता है, इसलिए इस काले पानी को बंद किया जाए, हमारी ये सबसे मेन समस्या है, हमारे इलाके की ये मेन समस्या है। ऐसा है जी कि जो घग्गर नदी के अंदर फैक्ट्रियों का गंदा पानी आता है, तेजाबी पानी आता है, हमें क्या होता है जब ये कुछ ड्राई एरिया का रखा है, पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया, लगभग 100 फुट चला गया पानी का जो वाटर लेवल है, तो मजबूरी के अंदर हमें वो पानी लगाना पड़ता है, जो कि हमें फसलों को भी नुकसान देता है और जो हमारे पशु पीते हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है। लोगों की समस्या के बारे में भी हमने यहां के विधायक रामचंद्र कंबोज से जवाब तलब किया, लेकिन इस सवाल के जवाब में भी विधायक जी ने सिर्फ राजनीति ही की, कोई हल नहीं बताया। देखिए, घग्गर जो नदी है ये एक ऐसी नदी है जिस नदी में बरसात का पानी इकट्ठा होकर एक तरह होके आता है, और मोस्टली जो मेरा रानिया क्षेत्र है, रानिया क्षेत्र के किसानों का जितनी भी सिंचाई होती है मोस्टली इसी घग्गर नदी से होती है। और मैं आपको बता दूं कि ये घग्गर नदी पंजाब से होती हुई हरियाणा में आती है, और कई जगह पंजाब में इंटर करती है, फिर हरियाणा में, फिर पंजाब में, फिर हरियाणा में इंटर करती है। तो इस तरीके से जो पंजाब की जो फैक्ट्रियाँ हैं उनकी, पंजाब की, चंडीगढ़ की और हरियाणा की भी कुछ फैक्ट्रियों का गंदा पानी जो इसमें प्रवाह होके आ रहा है और जो मजबूरन किसानों को लगाना पड़ रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा कि घग्गर नदी का पानी एक ऐसा स्रोत है जो मेरे क्षेत्र के जो किसानों को है, क्योंकि पैडी क्रॉप प्रोडक्शन एरिया है मेरा, तो उसमें मोस्टली घग्गर का ही पानी इस्तेमाल होता है, और सरकार ने करीब करीब किसानों को मारने जैसा काम किया, क्योंकि बड़े लंबे समय से हमारी मांग है कि ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो कम से कम जिस जगह पंजाब की जहाँ फैक्ट्रियों का गंदा पानी गिरता है उस जगह पे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो प्लांट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो लगा के इसको, कि जो पानी आए आगे किसानों तक वो ट्रीट हो के आए, क्योंकि ट्रीट किया हुआ पानी है वो किसानों को कोई नुकसान दे नहीं पहुँचाता। हमने सिरसा के सांसद चरणजीत सिंह से भी घग्गर नदी की बदहाली के बारे में पूछा, उनका भी जवाब सुन लीजिए।
हरियाणा सरकार ने ऐहे जे ब्लॉक ने जिन्हां नूं बोर लाउण तों पाबंदी ला दित्ती है, ड्रग उन्हां नूं ओह कर दित्ता है, मतलब भी उत्थे कहे बोर नहीं ला सकते क्योंकि वह पानी नीचे चलिया गया, डार्क जोन किया गया। बहुत सारे ब्लॉक ने जिदे विच राणिया ब्लॉक नूं भी डार्क जोन किया गया, हालांकि उस जगह पर पानी मिठा है। पानी मिठा होने की वजह नाल सानू दूरों पानी लैके आना पैंदा, चाहे तो वाटर बक्स में अठ दिन का पानी नहर का नहीं आता तो सानू वह पानी भी किसी ट्यूबवैल तो लैके उस डिग्गी पा के वो सानू पीण वास्ते आना, लेकिन उत्थे भी ऐसी जी कंडीशन लाती कि तुसी बोर ला ही नहीं सकते। रानिया के रियलिटी चेक के दौरान हमें ये भी पता चला कि यहाँ पीने के पानी की भी दिक्कत है। इस बारे में भी जनता ने नेताओं से कई बार शिकायत की लेकिन समस्या हल नहीं हुई।